तलाल चौधरी साहब, खासतौर पर क्यों जरूरत पेश आई मरियम नवाज को कि वो बोलें कि यहूदियों की गोद में पढ़ने, ये मुनासिब तबसरा तो नहीं था? अगर आपको लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई अच्छी बात नहीं की तो आप उससे भी ज्यादा बुरी बात करके तो उसका जवाब नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, अभी आपने जो पहला जवाब है वो सुन लिया है कि वो कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के वो जस्टिफाई नहीं कर सके। मैं तो सीधी बात करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, मगर ये ज़रूरत हमें क्यों फील हुई? हमने रिस्ट्रेन की पॉलिसी इख्तियार की जब से धरना चल रहा था। हम पे स्याहियाँ उछाली गई, गोलियाँ चली, जूते उछाले गए, घरों पर हमले हुए, तू तू मैं हुई, हमारे नकलें उतारेंगी, हमारे गर्दन से पकड़ने की बात की गई, हमारी फैमिलियों को रोंदा गया, इस किसी की बीमारी है तो वो ना देखा गया, किसी की माँ बहन को ना देखा गया, और हम रिस्ट्रेन करते रहे। उस रिस्ट्रेन का पॉलिटिकली हमें बहुत नुकसान हुआ। हमने ये फैसला किया है अब रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, जैसी बात होगी उसी तरह का जवाब होगा। इसी पॉलिसी पर ये मजबूरन जवाब देना पड़ा है और आइंदा भी मजबूरन, चाहते नहीं हम, मजबूरन अगर देना पड़ेगा तो आइंदा भी जवाब देंगे। लाल चौधरी साहब, किसी को अगर आप इस तरीके से जवाब देंगे ना, अगर वो प्राइम मिनिस्टर का कमेंट ऐसा था जो उसके बच्चे के लिए नहीं आना चाहिए था, तो आपका कमेंट उससे ज़्यादा बुरा था। आप उनके मज़हब को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको बासे नफरत देखा जाए। वो पंजाब, या आपको पता है कि पंजाब सारे में अगर ये किसी को कहा जाए तू किसी यहूदी का पुत्र लगना है तो इसका क्या मतलब होता है? पूरा पंजाबी का मैंने जुमला इसीलिए बोला, तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये काबिल नफरत है, ये जुमला अवॉइड करना चाहिए। तो आप उनको कैसे कह सकते हैं अगर वो मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो आप तो अपना ईमान खराब कर रहे हैं अगर ये बात कह के। मैं आपसे, आप मियां नवाज शरीफ का वालिद भी मुसलमान था, उसका दादा भी मुसलमान था, मियां नवाज शरीफ ने कोई शायद रमज़ान हो जो कि मदीना पाक जाकर वो रोज़े ना रखता हो, उसकी वो किस तरह के वो मुसलमान है सारा लोग जानते हैं, उसके बावजूद तोहीन रसालत के मुजरम हमें बनाया गया इस सियासत में। हमने बहुत रिस्ट्रेन किया, एक मदरसे के अंदर हम पर जूता उछाला गया, और अब आप एक नीचे देखे ना, हमने नुकसान उठाया इससे, हमने अब रिस्ट्रेन नहीं होगा, जैसा मुंह माजरत के साथ वैसी चपेट आएगी। और मैं एक और आपसे अर्ज कर दूं, ये अभी बातें कर रही हैं जी जुनेद ने, वहां से क्रिकेट कैसे खेलता है, पोलो कैसे खेलता है, मैं इनको कह दूं और ये निकलवा ले नैप से उसकी स्कूल फीस, उसके फॉरेन ट्रिप्स, उसका बल्कि वो जो जेब खर्चा उसको मिलता था जब से पैदा हुआ है, नैब में हमने एक एक चीज दी है, उसके वालिद ने भी दी है, उसकी माँ ने भी दी है, उसके नाने ने भी दी है, सो एक ने नहीं दी, सो एक एक चीज का, उसके बावजूद आपके पास बात करने को नहीं है कश्मीर में, आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, आप पर इल्जाम है कि 1 अरब में आप वजारत उज़्मा खरीद रहे हैं, आप पे इल्जाम है कि आप सूबा बना रहे हैं, आप पे इल्जाम है कि आपने कश्मीर का केस हार दिया है, आपको जाके याद आ जाता है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, और अगर नवाज शरीफ रहे तो फिर मरियम, 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 अगर वो हटे तो अब उसका पोता, और हम अपने मुंह बंद करके बैठे रहे, नहीं जी हमने बहुत, हमने इस पाकिस्तान में जी बहुत ही रवादारी की सियासत करनी, कर ली हमने मलिक साहब जो सियासत है, हमारे मेरे नंबर कम होते हैं या पार्टी के होते हैं तो ठीक है, ये बिल्कुल रिस्ट्रेन का मजीद मुजाहरा नहीं किया जाएगा, जैसी बात करेंगे सियासत में घसीटना, ऐसी खवातीन जो घर में हो जो सियासत में ना हो उनके ऊपर कोई तानो तशनी करना और जुमलेबाजी करना, एक तो वो काबिल नफरत है, और एक किसी के ऊपर कुफर के फतवे सादर करना, उसका खमियाजा वो था जो एहसन इकबाल को गोली मारी गई, उसका खमियाजा वो होगा जो वो जमातें उठ पड़ी आपके सामने आ गई जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने सारों के लिए हाथ में उनके एक सफ़ेद पर्चा था जिसमें किसी को भी वो कुफर का फतवा जारी कर सकती थी। तो ये नफरत की सियासत तो किसी के भले में नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है तलाल चौधरी साहब इसमें। फिर ये आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताइए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुक्मरानों की है या मेरी है? आप जब आपसे कोई बातचीत करने किसी एक की नहीं है, अगर एक गलत करे तो दूसरे को पॉइंट आउट करना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, फॉलो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी भी है, मैं तो नहीं दौड़ता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कभी आप किसी की नकलें उतारें चादरें लेके, कभी आपके उसके वो बुरे बुरे नाम लें, यानी मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, उसके बाद नवाज शरीफ की फैमिली, मुझे बताएं आपने बख्शा कौन है? और उसके बाद आप कहते हैं कि आप उसके दोते पोतों को भी हम शुरू हो जाए, यानी खुदा के लिए आप तो आप हुकूमत में हैं। सो बात है, इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड बिहेव,
दैट्स ऑल, उसके बाद हम नहीं करेंगे ऐसी बात।